एग्जाम में जो जितनी ज्यादा सप्लीमेंट्री कॉपी लेता है, बच्चों में अक्सर माना जाता है कि उसका ये एग्जाम सबसे अच्छा रहा होगा। लेकिन क्या हो जब बोर्ड सप्लीमेंट्री कॉपी ही देना बंद कर दे? जी हाँ, एमपी बोर्ड ने एग्जाम से पहले कई महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं। परीक्षा से पहले छात्रों को इसके बारे में जरूर जान लेना चाहिए, जिससे कि एग्जाम के दौरान उन्हें किसी भी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े। दरअसल मध्य प्रदेश बोर्ड की 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं फरवरी के पहले सप्ताह से शुरू हो रही हैं। जारी डेटशीट के अनुसार एमपी बोर्ड 10वीं की परीक्षाएं 5 फरवरी से 28 फरवरी तक और 12वीं की परीक्षाएं 6 फरवरी से 5 मार्च 2024 तक होंगी। बोर्ड परीक्षा में इस बार सप्लीमेंट्री कॉपी नहीं देने का फैसला किया गया है। मुख्य विषयों की परीक्षा में आंसर शीट 32 पेज की होगी। वहीं नए नियम के मुताबिक बोर्ड की ओर से वोकेशनल और संस्कृत विषयों के लिए 20 पेज की कॉपी दी जाएगी। वहीं प्रैक्टिकल परीक्षा में 10वीं के छात्रों को 8 पेज और 12वीं के छात्रों को 12 पेज की आंसर शीट मिलेगी। इसके अलावा गणित विषय में 32 पेज होंगे, उसमें ग्राफ कॉपी भी अलग से होगी। इसमें भी सप्लीमेंट्री कॉपी का प्रावधान नहीं है। वहीं इस बार एमपी बोर्ड 10वीं और 12वीं की आंसर शीट में बार कोड का भी प्रयोग होगा। प्रयोग के तौर पर शिक्षा मंडल ने बोर्ड परीक्षा की कुछ कॉपियों पर एक विशेष बार कोड लगाया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक 10वीं में गणित विज्ञान और सामाजिक विज्ञान और 12वीं में हिंदी विषय की आंसर शीट पर बार कोड लगाया जाएगा। आपको बता दें कि एमपी बोर्ड ने 10वीं और 12वीं परीक्षाओं के लिए एडमिट कार्ड भी जारी कर दिए हैं। बोर्ड परीक्षा में शामिल होने वाले स्टूडेंट्स अपने संबंधित स्कूलों से परीक्षा प्रवेश पत्र प्राप्त कर सकते हैं। बिना हॉल टिकट के किसी भी परीक्षार्थी को एग्जाम सेंटर में एंट्री नहीं दी जाएगी। एडमिट कार्ड के साथ परीक्षार्थियों को आधार कार्ड भी सेंटर पर लेकर जाना होगा।